सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक आज के इस वीडियो में जो है हम कम्प्लीट बेजियन लर्निंग को डिस्कस करेंगे और बेजियन लर्निंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट मैथेमेटिकल थ्योरम यूज़ होती है जिसे हम बेज थ्योरम के नाम से जानते हैं तो बेस थ्योरम को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में और कॉन्सेप्ट लर्निंग के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे उसके प्रोसेस को हम समझेंगे किस तरीके से वर्क करता है और साथ के साथ जो है बेजियन लर्निंग का एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जो कि मशीन लर्निंग के अंदर यूज़ होता है जिसका नाम है बेजियन ऑप्टिमल क्लासीफायर उसका जो है हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और उसको समझेंगे कि वो किस तरीके से काम करता है तो so, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेजियन लर्निंग के साथ कि बेजियन लर्निंग होता क्या है तो बेजियन लर्निंग जो है ये बेसिकली हमारी एक फंडामेंटल स्टेटिस्टिकल अप्रोच है जो कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है जहाँ पे पैटर्न क्लासिफिकेशन यानी कि कुछ पैटर्न्स को क्लासिफाई करना होगा या फिर क्लासिफिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होगी वहाँ पे हम जो है इस बेजियन लर्निंग की अप्रोच का यूज़ करते हैं और बेजियन लर्निंग के अंदर जो हमारा मॉडल होता है जिसे हम ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर उसके जो पैरामीटर्स हैं उस मॉडल के उसको जो हम कुछ इस तरीके से स्पेसिफाई करते हैं कि वो जो हमारे पैरामीटर्स है वो जो हमारा डेटा है जो कि बेजियन लर्निंग का यूज़ करेगा तो वो डेटा जो है हमें बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना चाहिए हमारे डेटा का और ये जो पैरामीटर्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनको जो है स्टार्टिंग में ही यानी कि इनिशियली इस तरीके से, से सेट कर दिया जाता है कि वो अपनी प्रायर नॉलेज का या फिर अजम्पन्स का यूज़ करें और उन प्रायर नॉलेज और एजम्शंस के बेस पे जो है वो अपनी प्रोबेबिलिटी को अपडेट करें और वो जो इनकी प्रोबेबिलिटी अपडेट होती है वो होती है हमारी यूजिंग बेस थ्योरम और वो जो अपडेटेड प्रोबेबिलिटीज निकल के आएंगी बेस थ्योरम से उनका जो हम यूज़ करते हैं टू मेक प्रडिक्शंस अबाउट न्यू डेटा या फिर हम इसको बोलते हैं न्यू एविडेंस तो बेजियन लर्निंग का जनरल कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जैसे हम हमारी मशीन को ट्रेन करने के लिए एक डेटा सेट प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे उस डेटा सेट के अंदर जो है उस डेटा के साथ साथ हमें पहले से ही हमारी प्रायर नॉलेज और अजम्पन्स को यूटिलाइज करना है और उन डेटा के जो पैरामीटर्स होते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमें वो फाइंड आउट करनी है यूजिंग द थ्योरम तो यानी कि यहाँ पे जो हमारी मशीन ट्रेन होगी वो नॉर्मल डेटा के साथ साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेटा के साथ भी जो है वो ट्रेन की जाएगी अब बेजियन लर्निंग जो है बेसिकली उन सिचुएशंस में यूजफुल होती है या फिर मैं बोल सकता हूँ हमें बेजियन लर्निंग को उन सिचुएशंस में यूज़ करना होता है जहाँ पे डेटा जो है हमारे पास लिमिटेड रहता है या फिर डेटा जो है नॉइजी होगा या फिर अनसर्टेन होगा अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेजियन लर्निंग के कि हम बेजियन लर्निंग को कौन कौन सी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं तो स्पैम फिल्टरिंग के अंदर मेडिकल डायग्नोसिस इमेज रिकग्नेशन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पीच रिकगनीशन और रिकमेंडेशन सिस्टम अब मैंने आपको बताया बेजियन लर्निंग के अंदर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स होते हैं दो या दो से ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं डेटा के अंदर तो हम क्या करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारा बेस थियोरम का तो बेस थ्योरम जो है हमारी एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप को बिटवीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ टू इवेंट जैसे कि मैंने आपको बताया जब किसी दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड आउट करते हैं उसे हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी बेस थ्योरम से कैलकुलेट होगी और ये वो फॉर्मूला है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो कि बेस थ्योरम से क्रिएट किया गया है और हम बेस थ्योरम को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें प्रोबेबलिस्टिक मॉडल्स डेवलप करने होते हैं और उन मॉडल्स पे उन प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो है डिसीज़न लेना होता है बेस्ड ऑन अनसर्टेन डेटा अब ये वो जनरल फार्मूला था जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया अब टेक्निकल टर्म्स में डेटा साइंस के टर्म्स में मशीन लर्निंग के टर्म्स में हम जो है इन वैल्यूज़ को जो है कुछ नेम असाइन कर देते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ऑन बी तो इसका हम नाम रखते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी इसी तरह ये जो आगे की टर्म्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन इवेंट ए इसे हम बोलते हैं लाइवलीहुड अभी लाइवलीहुड ऑब्वियस सी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवेंट बी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे ये उसी से रिलेटेड है जस्ट उसका उल्टा है जस्ट उसका रिवर्स है अब रिवर्स कैसे है यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवेंट बी और यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन इवेंट ए तो इस टर्म को हम बोलते हैं लाइवलीहुड और देन जो मल्टीप्लीकेशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की गिवन है और डिवीजन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट की गिवन है और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट है उसको हम बोलते हैं प्रायर नॉलेज और नीचे जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट है इसको हम बोलते हैं मार्जिनलाइजेशन या फिर मार्जिनल इवेंट भी हम इसे बोलते हैं तो ये चार टर्म्स हैं हमारी पोस्टीरियर लाइकलीहुड प्रायर और मार्जिनल इन चारों टर्म का यूज़ जो है आगे हम कॉन्सेप्ट लर्निंग के अंदर करेंगे अब कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है बेसिकली वो प्रोसेस होता है जो कि क्या करता है एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को डेवलप करने में उसको बिल्ड करने में हेल्प करता है जो क्या करता है रिकोगनाइज़ करता है या फिर हमारे जो पैटर्न्स होते हैं डेटा के अंदर उसको जनरलाइज करता है और उन पैटर्न्स को रिकोगनाइज़ करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट आना चाहिए यानी कि हमारा डेटा हमारा नया एविडेंस किस क्लास से बिलोंग करता है वो उस क्लास class को क्लासिफाई कर देता है कि ये जो हमारा नॉलेज है ये जो हमारा डेटा है ये इस क्लास से बिलोंग करता है तो बेजियन कॉन्सेप्ट लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली बेजियन इन्फेरेंस का यूज़ करता है अब इन्फेरेंस मैं मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ टेस्ट हाइपोथेसिस यानी कि हमें हाइपोथेसिस को टेस्ट करना होता है किसी नए इवेंट की प्रोबेबिलिटी को टेस्ट करना होता है तो कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है बेजियन इन्फेरेंस का यूज़ करता है टू अपडेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथिस बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड डेटा अभी मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि जब भी हम हमारी मशीन को ट्रेन करते हैं तो वहाँ पे हम पैरामीटर्स में यानी कि वेरिएबल्स में कॉलम्स में हमारा डेटा प्रोवाइड करते हैं मशीन को उन डेटा के बेसिस पे जो हमारी प्रोबेबिलिटी अपडेट होगी जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी एक अलग से कॉलम में ऐड होगी उस प्रोबेबिलिटी को अपडेट करने के लिए बेजियन इन्फेरेंस का यूज़ करते हैं हम और वो बेजियन इन्फेरेंस जो है साथ साथ कॉन्सेप्ट लर्निंग का यूज़ करता है अब बेजियन कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है ये बेसिकली हम उन सिचुएशंस पे यूज़ करेंगे जहाँ पे अनसर्टेनिटी होगी और डेटा के अंदर नॉइज़ होगी और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग का टॉपिक है ये हमें अलाउ करता है टू इनकॉर्पोरेट आवर प्रायर नॉलेज यानी कि जो हमारी डेटा से रिलेटेड प्रायर नॉलेज है हमारे पास या फिर मशीन कुछ नॉलेज एक्सट्रैक्ट आउट कर रही है वो उसका भी यूज़ करें और साथ के साथ जो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका भी यूज़ करें और ये दोनों चीज़ जब कंबाइन होती है तो ये जो है एक मॉडल को बिलीव प्रोवाइड करती है यानी कि उस मॉडल को ज़्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है कॉन्सेप्ट लर्निंग का प्रोसेस है वो कुछ स्टेप्स में इन्वॉल्व होता है पहला स्टेप आता है डिफाइनिंग ए प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द स्पेस ऑफ पॉसिबल हाइपोथेसिस प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब प्रायर की मैं बात करूंगा और ये प्रायर जो टर्म है ये मेरी वहीं से निकल के आएगी जहाँ पे अभी मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला को एक्सप्लेन किया था और वहाँ पर चार टर्म्स आपको बताई थी पोस्टीरियर लाइवलीहुड प्रायर और मार्जिनल तो हमें जो है प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफ़ाइन करना होता है उसके बाद उस प्रोबेबिलिटी को डिफ़ाइन करने के बाद हमें कुछ सेट ऑफ़ ट्रेनिंग एग्जाम्पल को कलेक्ट करना होता है जो कि क्लासीफाई हो क्लासीफाई होने का मीनिंग है हमें वो डेटा का वो ट्रेनिंग एग्जाम्पल का यूज़ करना है जिसका हमें आउटपुट पता हो और फिर उस ट्रेनिंग एग्जाम्पल की हेल्प से जो है हम उसके अंदर बेस्ड और हम इम्प्लीमेंट करते हैं और एक प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं और वो प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट होती है वो फिर हम यूज़ करते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने में यानी कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवेंट बी था उसको कैलकुलेट करने में जो है हम इसका यूज़ करते हैं तो ये जो है चार बेसिक स्टेप है कॉन्सेप्ट लर्निंग के कि हमें प्रायर नॉलेज जो हमारी है या फिर प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की वो कैलकुलेट करनी है वो डिफ़ाइन करनी है सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल को कलेक्ट करना है उन ट्रेनिंग एग्जाम्पल का यूज़ करके बेस्ड थ्योरम उसमें इंप्लीमेंट करनी है उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एंड देन उन प्रोबेबिलिटी को यानी कि प्रायर प्रोबेबिलिटी को हमें यूज़ करना है टू मेक द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है जो फाइनल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए हमारे इवेंट की उसको हम कैलकुलेट करते हैं टू मेक प्रडिक्शन अब बात करेंगे इस वीडियो के थर्ड टॉपिक की जिसका नाम है बेज ऑप्टीमल क्लासीफायर अब बेज ऑप्टीमल क्लासीफायर जो है ये बेसिकली हमारा प्रोबेबलिस्टिक मॉडल होता है जो कि प्रिडिक्ट करता है मोस्ट प्रोबेबल आउटकम फॉर ए न्यू इंस्टेंस यूजिंग द बेस थोर तो बेजियन लर्निंग के अंदर हम क्या करते हैं प्रोबेबलिस्टिक मॉडल जनरेट करते हैं और बेजियन लर्निंग का ही एक हमारा मॉडल है बेज ऑप्टिमल क्लासिफायर जो कि क्या करता है मोस्ट प्रोबेबल आउटकम को जो है जनरेट करता है किसी भी नए इवेंट के लिए किसी भी नए इंस्टेंस के लिए और यूज़ करता है हमारे बेस थ्योरम का जो हमारा बेज ऑप्टिमल क्लासिफायर है ये बेसिकली उन क्लासेस को चूज़ करता है जिनकी ग्रेटेस्ट पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होगी अकरेंस की तो यहाँ पे मैं इस बेज ऑप्टिमल क्लासिफायर को एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बेज ऑप्टिमल क्लासिफायर वर्क कैसे करता है यहाँ पे आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं जैसे कि फर्स्ट डेफिनेशन के अंदर पे गिवन है दैट प्रिडिक्ट मोस्ट प्रोबेबल आउटकम यानी कि एक इवेंट के किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड होने के जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवेंट बी अब यहाँ पे इसके बहुत सारे आउटकम्स हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ यस भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो भी हो सकता है तो जो मल्टीपल क्लासेस होंगी यानी कि यस yes की एक क्लास बनेगी नो no की एक क्लास बनेगी तो ये जो मल्टीपल क्लासेस बनेंगी उसमें जिसकी ग्रेटर प्रोबेबिलिटी होगी उसको जो है हम कंसिडर करते हैं और ये जो हमारा बेज ऑप्टिमल क्लासीफायर है इसके अंदर एक टर्म आती है एम ए पी देट इज मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी जो चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे बताई कि हमें ग्रेटेस्ट पोस्टीरियर को चूज करना होता है पोस्टीरियर क्या है अगेन आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला को माइंड में लेके आना है और वहाँ से सोचना है कि पोस्टीरियर क्या था तो यहाँ पे क्या होता है जो हमारा पोस्टीरियर होता है तो जो उसमें मैक्सिमम वैल्यू होती है यानी कि अगर हमारे पास कोई इवेंट है जिसके हमारे पास तीन पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं तो उन तीनों आउटकम में से जिसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं एज्यूम करते हैं और ये एम ए इज मैक्सिमम ए पोस्टीरियरी का जो टर्म है हमारा ये बेसिकली हमारा एक प्रोबेबलिस्टिक फ्रेमवर्क होता है जो कि हमें डिटरमाइन करता है या फिर हमें कैलकुलेट करके देता है द मोस्ट लाइकली हाइपोथेसिस फॉर ए ट्रेनिंग डेटा सेट अब यहाँ पे आपको क्या करना है एक हाइपोथिस स्पेस है तीन इवेंट का या मैं बोल सकता हूँ हमारे पास यहाँ पे तीन हाइपोथेसिस गिवन है H1, H2 और H3। हाइपोथेसिस क्या होता है हमें कुछ एज्यूम करना होता है किसी इवेंट के बारे में या मैं बोल सकता हूँ एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटीज है कुछ इवेंट की तो इन तीन हाइपोथेसिस की जो है हमने यहाँ पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट किया पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी अगेन माइंड में वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मुला लेके आइए है जहाँ पे मैंने आपको चार टर्म्स एक्सप्लेन की थी पोस्टीरियर लाइकलीहुड प्रायर और मार्जिनल तो हमें जो है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की हमने उन चारों इवेंट की एच वन की है हमारे पास ज़ीरो पॉइंट फोर एच टू की है ज़ीरो पॉइंट थ्री और एच थ्री की भी है हमारी ज़ीरो पॉइंट थ्री तो इन तीनों इवेंट के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके अंदर हमारी एच वन की दैट इज़ ज़ीरो पॉइंट फोर तो इसके अंदर हमारे एम ए पी की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम ए पोस्टीरियर की वैल्यू हो जाएगी हमारी एच वन तो इस तरीके से एम ए पी का कॉन्सेप्ट वर्क करता है मैक्सिमम है पोस्टीरियर का अब ये जो हम मॉडल की बात कर रहे हैं बेजियन ऑप्टिमल क्लासीफायर इसको जो है बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स में अलग अलग नेम से प्रोनाउंस किया जाता है जैसे कि कुछ टर्म्स हैं यहाँ पे बेज ऑप्टिमल लर्नर बेज क्लासीफायर बेज ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री और एक है बेज ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन तो ये चार नेम है जो कि हमारे बेज ऑप्टिमल क्लासीफायर को प्रोनाउंस करते हैं या फिर उसके सिनोनियम्स हैं अब बेस ऑप्टिमल क्लासिफायर के अंदर जो मैं बार बार, बार बात कर रहा हूँ कि अपडेटेड प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी फाइनली एक क्लास को वो क्लासिफाई करेगा तो किस तरीके से क्लासिफाई करेगा वो हमारा क्लासिफाई करता है इस इक्वेशन की हेल्प से जो कि आपको यहाँ पे गिवन है अब इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स है वी ऑफ जे डी वी ऑफ जे एच आई एच आई और डी एच आई बिलोंग्स टू एच तो ये बहुत सारे जो टर्म्स है ये है क्या अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही कैलकुलेट हो रही है अब आप अगर इस टर्म को देखेंगे पी ऑफ एच आई ऑफ डी तो इसके अंदर क्या है एक हमारी जनरल पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी इसी तरह दूसरे इवेंट की यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी एंड देन उन दोनों का सम हो जाएगा और एक नए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी उसे हम बोलेंगे अपडेटेड प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है ये है क्या तो जो इसके अंदर हमारा v ऑफ j है ये है हमारा नया इंस्टेंस जिसको हमें क्लासीफाई करना है यानी कि अब मान लीजिए एज्यूम कर लीजिए हमने हमारे मशीन लर्निंग को बेजियन ऑप्टिमल क्लासीफाइन मॉडल से ट्रेन कर दिया और अब मुझे जो है एक नया इंस्टेंस देना है नया इनपुट देना है नई कंडीशन देनी है और चेक करना है कि क्या मेरा मशीन लर्निंग मॉडल मुझे उसकी क्लास बता सकता है तो यहाँ पे जो इस फार्मूला के अंदर V ऑफ J है वो है हमारा यहाँ पे न्यू इंस्टेंस जिसके हमें क्लास को पता करना है कैपिटल H है हमारा सेट ऑफ हाइपोथिस अब प्रीवियस स्लाइड के अंदर मैंने आपको तीन हाइपोथिस बताए थे H1, H2, H3. तो जो हमारे स्मॉल ऑफ H हैं वो कहलाएंगे हमारे H ऑफ I जिनको हम बोलते हैं गिवन हाइपोथिसिस और इन तीनों H ऑफ I का जो सेट होगा जैसे कि हमने प्रीवियस में डिस्कस किया था H1, H2, H3 इन तीनों को जो अगर हम कंबाइन कर देंगे और एक सेट में रख देंगे तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल एच जो कि क्या होगा हमारा सेट ऑफ हाइपोथेसिस हो और जो वहां पे हम दो इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ वीजे ऑन इवेंट एच आई ये क्या है हमारा ये है हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी किसकी फॉर इवेंट वी आई ऑन गिवन हाइपोथेसिस एच और इसी तरह प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं एच ऑफ आई ऑन इवेंट डी जो कि क्या है हमारी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपोथिस एच आई गिवन ऑन द डेटा डी अब कैपिटल डी है हमारा डेटा हब एच ऑफ आई है हमारा गिवन हाइपोथिस फी ऑफ दे है हमारा कोई नया इंस्टेंस ध्यान से अगर आप इन तीनों टर्म्स को समझेंगे तो किसी नए इंस्टेंस को लेके जो है हमें उसकी क्लास को फाइंड आउट करना है क्लास फाइंड आउट होगी हमारी किसी हाइपोथेसिस से तो एच ऑफ आई यूज़ में आ जाएगा और ये दोनों चीज़ें हम कहाँ से क्लासिफाई करेंगे किसी डेटा पे तो कैपिटल डी यूज़ में आ जाएगा तो ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया वो जो है यूज़ होता है हमारा किसी क्लास को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास एक टेबल गिवन है हमारे पास एक डेटा गिवन है जिसके अंदर आउटलुक गिवन है आउटलुक का मीनिंग है कि बाहर का वैदर कैसा है वो गिवन है तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के वैदर गिवन से सनी आउटकास्ट और रेन तो सनी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है वो हम बाद में फाइंड आउट करेंगे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सनी है या नहीं है और ये डेटा जो है हमारे रिलेट करता है कि क्या कोई प्लेयर उस इवेंट में उस आउटलुक में उस वेदर में प्ले करना पसंद करता है या नहीं तो अगर वो इवेंट सनी था तो प्लेयर दो बार जो है खेलना पसंद करा और तीन बार जो है उसने उस गेम को खेलना पसंद नहीं किया इसी तरह जब आउटकास्ट था तो चारों बार जो है हमारा प्लेयर उस स्पोर्ट को प्ले करने गया या फिर मैं बोल सकता हूँ उसने प्ले को उसने गेम को एंजॉय किया रेन के कंडीशन में तीन बार प्लेयर ने गेम को एंजॉय किया दो बार नहीं किया तो इस तरीके से नॉर्मल डेटा हमारे पास गिवन था और अब हमने क्या कर लिया जनरल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली प्रोबेबिलिटी ऑफ येस की प्रोबेबिलिटी ऑफ नो की बेस्ड ऑन दिस डेटा जहाँ पे हमने टोटल कैलकुलेट किया और इस तरीके से हमने दो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो तो इस डेटा का जो आउटकम है वो सिर्फ इतना है कि हमने क्या किया एक प्लेयर किसी वेदर में खेलने जाता है या नहीं कि अपने गेम को एंजॉय करता है या नहीं उसके इवेंट्स का डेटा हमारे पास था और उसके इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली अब इसी तरह एक दूसरा इवेंट है कि बाहर का वेदर के साथ साथ जो है बाहर का टेम्परेचर कैसा था और उन टेम्परेचर में प्लेयर ने अपने गेम को एंजॉय किया या नहीं उसका भी डेटा तो हमारे पास गिवन है तो यहाँ पे तीन टेम्परेचर है हॉट माइल्ड और कोल्ड ये तीन टेम्परेचर हमारे पास गिवन है और उन तीनों के जो है बेस्ड ऑन द प्लेयर डेटा कि उसने गेम को एंजॉय किया या नहीं उसका डेटा जो है हमारे पास गिवन है इसी तरीके से जो है जैसे हमने लास्ट में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की थी येस और नो की बेस्ड ऑन द आउटलुक इसी तरह यहाँ पे हम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ येस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो को कैलकुलेट कर लेंगे बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ टेम्परेचर अब जो है हमने इन दोनों डेटा से जो है एक जनरल आउटकम कैलकुलेट किया कि यस की प्रोबेबिलिटी है नाइन बाई फोर्टीन और नो की प्रोबेबिलिटी है फाइव बाई फोर्टीन तो इस तरीके से ये हमारे पास दो इवेंट थे आउटलुक का और टेम्परेचर का और दोनों को कंबाइन करके जो हमने जनरल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की कि आउट ऑफ फोर्टीन टाइम्स प्लेयर ने जो है नाइन टाइम्स अपने गेम को एंजॉय किया और फाइव टाइम्स अपने गेम को एंजॉय नहीं किया तो इन तीन डेटा सेट की हेल्प से जो है अब हमें कैलकुलेट करना है एक हमारे पास कंडीशन आई एक हमारे पास नया इंस्टेंस आया नया इंस्टेंस आने का मीनिंग है एक नया V ऑफ J आया अब वो V ऑफ J क्या है कि हमें बताना है एक हमें एक टेम्परेचर गिवन है सनी और होट यानी कि आउटलुक है हमारा सनी और टेम्परेचर है होट तो हमारे पास दो इवेंट है अब इन दो इवेंट में क्या हमारा प्लेयर गेम को एंजॉय करेगा या नहीं हमें ये बताना है तो इसके लिए जो है सनी हॉट के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गेम को एंजॉय करेगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो गेम को एंजॉय नहीं करेगा हमारा प्लेयर उसकी जो है दोनों प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर ली अब जनरली वो उस गेम को एंजॉय करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है आपके आउटलुक डेटा पे और टेम्परेचर डेटा पे तो यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी वो प्रीवियस जो हमने अभी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था वी ऑफ जे वाला नए इंस्टेंस वाला उससे जो है हमने ये दो कैलकुलेट किया प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ऑन इवेंट सनी एंड हॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑन इवेंट सनी एंड हॉट तो अगर आप ध्यान से हमारे दोनों डेटा को देखेंगे सनी डेटा जो था वो हमारे टेबल का है हॉट डेटा है जो हमारे टेबल का यानी दोनों अलग अलग इवेंट के डेटा है तो उन दोनों डेटा के अंदर जो है हमने क्या किया हमारे वो इक्वेशन का यूज़ किया और इन दो प्रोबेबिलिटीज़ को फाइंड आउट किया कि सनी और हॉट इवेंट में प्रोबेबिलिटी है कि वो गेम को एंजॉय करेगा वो है हमारी जीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री वन और वो एंजॉय नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट फाइव सेवन वन बट यहाँ पे दोनों जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई ये आई हमारी दो इवेंट पे जब हम एक नई प्रडिक्शन कर रहे हैं हमने एक नया इवेंट दिया सनी हॉट उसमें प्लेयर गेम को एंजॉय करेगा या नहीं करेगा इसका हमें एक सिंगल आउटपुट चाहिए तो उसके लिए जो है फिर हमने क्या किया इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को कंबाइन किया और इनसे एक जनरल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी यस और नो की और उससे जो है हमें प्रोबेबिलिटी मिली प्रोबेबिलिटी ऑफ़ यस की है जीरो और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो की है ज़ीरो थ्री वन सेवन तो यहाँ पे जो है अगर आप इस ऊपर वाली प्रोबेबिलिटी से भी समझ जाएंगे कि यस के चांसेस है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री वन और नो के चांसेस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट वन तो यहाँ पे किसके चांसेस ज़्यादा है नो के चांसेस ज़्यादा है और यही चीज़ जो हमारी जनरल प्रोबेबिलिटी हमें बता रही है यस और नो की यानी एक प्लेयर अपने गेम को एंजॉय नहीं करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी है जीरो पॉइंट थ्री वन सेवन तो यहाँ पे एमएपी का प्रोसेस यूज होगा एम ए पी का मतलब मैक्सिमम ऑफ पोस्टीरियर तो यहाँ पे दो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की प्रोबेबिलिटी ऑफ येस की प्रोबेबिलिटी ऑफ नो की और उन दोनों में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वो हमें क्लास हमें बता देगा अब 0.114 और 0.317 में किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो की ज़्यादा है यानी कि 0.317 पॉइंट थ्री वन सेवन इज ग्रेटर देन जीरो फोर तो इससे जो है हमने कैलकुलेट कर लिया कि सनी और बोट अगर वेदर और आउटलुक होगा हमारा तो एक प्लेयर अपने गेम को एंजॉय नहीं करेगा तो इस तरीके से जो है हमारा ये बेजियन ऑप्टिमल क्लासीफायर का प्रोसेस जो है यूज़ होता है और इस तरीके से जो है हमने बेजियन लर्निंग के कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस कर लिया उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता था कॉन्सेप्ट लर्निंग उसको हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया और उसका एक प्रैक्टिकल मॉडल बेज ऑप्टिमल क्लासीफायर विद रियल लाइफ एग्जाम्पल जो है हमने यहाँ पे डिस्कस किया थैंक यू